रिलैक्स करना है तो भी बहुत अच्छी जगह है, आइए आप लोग यहाँ पे। बट महंगा बहुत ज़रूर है, पैसा एकदम बोरा भर के लेके आना। जो भी सामान हम लोग उठाते हैं बहुत भारी निकलता है तो समझ में आता है बहुत महंगा चीज़ है। एडिट वीडियो देखना वो भी सब कुछ कर जो यही बोले तो तो ये अपने ब्लॉग की एडिट कर रहे हैं, आप भी इनके चैनल पे जाके इनका ब्लॉग देख सकते हो। इनके ब्लॉग में मैंने कुछ ज्यादा ही मस्ती कर दी है, डांस वांस भी कर दिया। बहुत अच्छा डांस किया हम लोग, तो मजा ही आ गया। Hey guys, welcome back. Welcome back भी नहीं हुआ था। फिर से करना पड़ेगा यार। Sorry. अरे यार। अरे यार। कमरे ढाक के बहुत मारो इनको। Hello, good morning. कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार फिर ये सीढ़ियाँ और मैं और ये सीढ़ियाँ। बोल तो रहा था थोड़ी। फिलहाल हम मे फेयर में आ गए हैं, पहले तो चेक इन करते हैं उसके बाद यहाँ का लोकेशन देखते हैं। विला में जाना, उधर से विला चले जाना तुम लोग, ठीक है? 114 में छोड़ते हुए विला चले जाना। मैं फिर रिजॉर्ट की वॉशरूम में, हम लोग को जो रूम मिला है उसके वॉशरूम में हूँ, थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पे टब है और उसके बाद यहाँ पे शावर वगैरह है, आप ले सकते हैं। और ये है थोड़ा सा गार्डन टाइप का एरिया, काश मैं यहाँ नहा सकता, बट फिर कभी आएंगे नहाने धोने आज शूट करने। तो है गाइस, अभी हम लोग मे फेयर में हैं और शूट कर रहे हैं। शूट इतना हो रहा है कि मतलब कुछ ब्लॉग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो ब्लॉग बहुत कम ही मिलेगा आप लोगों को आज। बस शूट कर रहे हैं हम लोग, काम कर रहे हैं। अरे काम कर रहे हैं, कौन से बोट पे चले जाएंगे? अच्छी जगह है मे फेयर, बहुत महंगी महंगी चीज़ है। जो भी सामान हम लोग उठाते हैं बहुत भारी निकलता है तो समझ में आता है बहुत महंगा चीज़ है। बस अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या क्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम लोग अभी थोड़ा सा इधर बोटिंग वाले जगह पे आ गए थे शूट के लिए, और अभी यहाँ से हम लोग वापस जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग करने के लिए, और अच्छा लोकेशन है। कभी यहाँ आप लोग, रिजॉर्ट है, बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, आप लोग को चिल करना है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स करना है तो भी बहुत अच्छी जगह है, आइए आप लोग यहाँ पे। बट महंगा बहुत ज़रूर है, पैसा एकदम बोरा भर के लेके आना, सच में है ना मोहित? वो लोग आएंगे अभी, यही रहे ना। हाँ। बैठते हैं छाव में। क्या बलो तो यार, बहुत खतरनाक है, मत दिखाओ। तो गाइस अभी उनको बहुत बड़ा एलईडी दिखा, ये देखिए इतना बड़ा एलईडी ना, भयानक टाइप से है। जस्ट हमारा शूट खत्म नहीं हुआ है अभी तक, और ये हमारे ब्राइडग्रूम, और बहुत ज्यादा थक गए हैं। हाँ, और हम लोग अभी और हम लोग अभी मैं कबाब, ये दोनों हड्डियां ऐसा मोहित भैया का कहना है, ऐसा ही वो भी कबाब जैसे दिख रहे हैं मुझे, रहे हैं ये। तो हम लोग अभी बहुत ज़्यादा सुबह से शूट कर रहे हैं तो ब्लॉग ज़्यादा हो नहीं पाया है, और बस काम करते टाइम काम होता है, ब्लॉग नहीं हो पाता है। बाकी काफ़ी अच्छे अच्छे फोटोज़ आए हैं इनके, और ये देख के बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, बहुत ज्यादा खुश होने वाली हूँ मैं। मेरी भी खींचे साथ में दो चार। अच्छा
वो तो ट्रायल था, वो डिलीट कर देता है वो। मैं नहीं नहीं डिलीट नहीं कर रही हूं। क्या तो हो गया? आप हमारा अगर लैपटॉप चलते डिलीट किया ना तो हम आपका लैपटॉप ही कब्जे में ले लेंगे। तो फिलहाल हमारा शूट खत्म हो गया है और हम पैकिंग वैकिंग कर लिए हैं, अब जा रहे हैं वापस घर। मैं फिर बहुत बड़ी जगह थी, बहुत अच्छा लोकेशन था शूट के लिए, आप लोग भी आइए शूट कराइए, बट बहुत सारा पैसा लगाएगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। बाकी अभी घर चलते हैं, पैकिंग हो गया, लेट हो रहे हैं और अभी बिलासपुर भी निकलना है। चलो आपका हथियार। तो गाइस आज बहुत थका हारा हुआ मैं आया हूँ वापस घर वॉटसन के साथ और अभी ये हमको छोड़ने जा रहे हैं बस स्टैंड, हम जा रहे हैं वापस बिलासपुर। लेकिन बस स्टैंड जाने से पहले थोड़ी पेट पूजा हो जाए तो हम लोग जा रहे हैं कहीं पेट पूजा करने के लिए। यस बता दो। नहीं नहीं हम जाके दिखाते हैं। चलिए गाइस गुड मॉर्निंग। फिलहाल तो अभी सुबह हो गई है, कल डिनर किए गॉडसन लॉन के साथ, पूरा फैमिली डिनर था। वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी तो मैं व्लॉग नहीं किया। फिर रात में ही रायपुर से बिलासपुर बस पकड़ के हम लोग आए, 2 बजे बिलासपुर पहुँचे और अभी सुबह हो गई है सो उठ के। और आज का प्लान ऐसा है कि आज मैं रायगढ़ जा रहा हूँ, वहाँ पे वेडिंग शूट है तो 2-3 दिन के लिए मैं रायगढ़ में हूँ। और ठीक है थोड़ा सा रश रहता है ना तो थोड़ा सा व्लॉग नहीं हो पाता है, बट कभी कभी चल जाता है सहरा। तो आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, अभी फिर मेरे को रेडी होना है, ये व्लॉग एडिट करना है, उसके बाद फिर वापस रायगढ़ के लिए निकल जाना है। इथन तो अभी सो ही रहा है, कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट व्लॉग में उसको आप लोगों को दिखाऊँ, मैं खुद मिलना चाहता हूँ उससे, काफ़ी दिन से नहीं मिला हूँ। तो ठीक है मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।